हेलो एवरीवन, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिना दही सोडा या फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल किए बगैर रेस्टोरेंट और स्ट्रीट स्टाइल एकदम क्रिस्पी डोसा और चटपटी टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो एकदम टेस्टी और क्रिस्पी रवा डोसा और टमाटर की चटनी बनाना शुरू करते हैं। डोसा का बैटर बनाएंगे। आधा कप सूजी ली है बॉम्बे रवा, बहुत ज्यादा बारीक वाली सूजी नहीं लेनी है, और आधा कप ही चावल का आटा डालेंगे। एक चौथाई कप मैदा डालेंगे। रेस्टोरेंट में जो रवा डोसा मिलता है इसमें ये लोग मैदा ही डालते हैं, इससे डोसा का बैटर में बाइंडिंग अच्छा आता है और डोसा क्रिस्पी भी बनता है। इसमें एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और एक चौथाई टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये डोसा बनाने में आपको ना तो दही सोडा या इनो चाहिए, और ना ही इसे भिगोने की जरूरत है और ना ही पीसने की जरूरत है। बैटर बनाया और 10 से 15 मिनट रेस्ट देके इंस्टेंटली रवा डोसा बना के सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही झटपट बन के रेडी भी हो जाता है। इसमें 3 कप पानी डालेंगे। बिस्कुट से चला के अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह का एकदम पतला घोल बना के रेडी करना है, जिस तरह से हम पतली छाछ बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, उसी तरह का ये बैटर बनाना है। ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट देंगे। टमाटर की चटनी बनाएंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 2 टेबलस्पून मूंगफली डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के मूंगफली को लाइटली भुनेंगे। 1.5 से 2 मिनट के लिए मूंगफली को भून लिया है और इसकी चटकने की आवाज आ रही है। 1 बड़ी साइज का टमाटर, 7 से 8 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, ये अंदर डाल देंगे। 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 पिंच हींग डालेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब तक इसे कुक करेंगे। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। इसके बदले में आप इमली डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। टमाटर अच्छे से कुक हो गया है, गैस बंद कर देंगे। इसे एक डिश में निकाल के ठंडा कर लेंगे। टमाटर के मिश्रण को मिक्सर जार में ले लिया है। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसे ग्राइंड करेंगे, एकदम स्मूथ ग्राइंड करेंगे। 1/4 कप पानी डाल के चटनी को ग्राइंड कर दिया है। चटनी में थोड़ा सा लाल कलर आपको चाहिए तो आप 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल के इसे ग्राइंड कर सकते हैं। चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। चटनी में डालने के लिए तड़का रेडी करेंगे। तड़का पैन में 2 टीस्पून तेल डालेंगे, 1/2 टीस्पून राई थोड़ी क्रैकल हो जाए, उसके बाद 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून चना दाल, 1/2 टीस्पून उड़द दाल। चना दाल और उड़द दाल लाइट ब्राउन हो गई है, गैस बंद कर देंगे। 1 सूखी लाल मिर्ची का 2 पीस करके डालेंगे, 6-7 करी पत्ता। तड़का चटनी में डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। टमाटर की चटनी रेडी है। हम स्ट्रीट स्टाइल डोसा बना रहे हैं तो इसके लिए एक मिक्सर रेडी करेंगे। तो 1 बड़ी साइज का प्याज बारीक काट के लिया है, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 इंच अदरक का टुकड़ा इसे भी बारीक कट किया है, और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। इसे एक बाउल में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर को रखे 10 मिनट हो चुकी है, अच्छे से चला लेंगे। और सूजी अच्छे से फूल गई है। बैटर अगर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो इसमें 1/4 कप जितना पानी डालना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा पतला करूंगी। इस तरह का एकदम पतला बैटर रखना है। नॉनस्टिक तवा को एकदम गरम करेंगे। इसमें 3 से 4 बूंद जितना तेल डालेंगे और टिश्यू पेपर से इसे ग्रीस कर लेंगे। प्याज का मिश्रण हमने रेडी किया है, ये ऊपर तवे पे थोड़ा थोड़ा डालेंगे। रेस्टोरेंट में जो डोसा मिलता है वो लोग इसी तरह से तवे के ऊपर प्याज डालते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक को आप बैटर में ही मिक्स करके ले सकते हैं। बैटर को एकदम अच्छे से चला लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से किनारे से बैटर डालते जाएंगे, और फिर बीच में इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देना है। रवा डोसा में इस तरह से ऊपर से हम बैटर डालेंगे तो जाली बनती है।
गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे और ऊपर से ये ड्राई हो गया है तो थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। ये जो होल है उसपे हमें थोड़ा तेल डालना है। ठंडा बटर का पीस लिया है, इसे ऊपर हम इस तरह से घिसेंगे। रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से ऊपर बटर लगाया जाता है। डोसा को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे और तवा को इस तरह से घुमा के कुक करेंगे तो सभी तरफ से ये एकदम क्रिस्पी बनेगा। आप देख सकते हैं डोसा एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम क्रिस्पी डोसा बन के रेडी हो गया है। इस तरह से हम बाकी का डोसा भी बनाएंगे। अब बिना प्याज का डोसा बनाना चाहते हैं तो टिश्यू पेपर से तवा को अच्छे से पोंछ लेना और फिर बाद में इसमें बैटर डालना। इस तरह से आप बिना प्याज का डोसा भी बना सकते हैं। इसे भी लो मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी हो जाए तब तक कुक करेंगे। ये डोसा भी एकदम क्रिस्पी हो गया है, आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर आ गया है और एकदम क्रिस्पी हो गया है। एकदम क्रिस्पी रवा डोसा बन के रेडी हो गया है। टमाटर की चटनी हमने बनाई है ये, और मैंने नारियल की चटनी भी साथ में सर्व की है। नारियल की चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अब देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी डोसा बन के रेडी हो गया है और टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।